खान के साथ He's crying. अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड माय YouTube चैनल। हैप्पी संडे। मम्मा का बेबी, मम्मा का औरान, मम्मा का बेटा। चले जी, अब मैं जा रही हूँ रहान को शावर दिलाने, क्योंकि रहान का नहाने का टाइम हो गया है। और रहान की थोड़ी सी मालिश होगी और फिर रहान नहाएंगे। और नहाने का व्लॉग तो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो मैं आपको अपनी संडे रूटीन दिखाऊंगी। मेरी बेबी की बहुत इचिक हो रही है, तो ये अपना जो लिप है ना, नीचे के जो गम्स है ना, वो ये मतलब बेचारा बच्चा अपने होठों से चबा रहा है। बट ये होता है बच्चों के साथ, इट्स नॉर्मल। यहाँ मैं डॉक्टर के इसको लेकर जाती हूँ, इसका जो रूटीन चेकअप होता है हर मंथ, तो मैं इसको लेकर जाती हूँ। तो उसके इसके सारे मतलब इसका इसके कान, इसकी नोज, इसकी हर चीज़ चेक होती है। तो मैं डॉक्टर से यही पूछती हूँ कि डॉक्टर ही इज़ फाइन। डॉक्टर कहते हैं या इट्स नॉर्मल। और मेरी जो अम्मी है, मेरी जो सासू माँ है, वो ये कहती है कहीं इसको ठंड तो नहीं लग गई, जब ये कभी कभी फीट नहीं करता सही से। तो वो ये कहती है कि इसको ठंड तो नहीं लग गई, इसको ये तो नहीं हो गया, इसको हम यही सोचते रहते हैं पूरा दिन। बट हम जब डॉक्टर के लेके जाते हैं इसको, तो क्या कहते हैं डॉक्टर? योर बेबी इज फाइन, इट्स नॉर्मल। तो हम ये सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। चले जी, बेबी नो जानू, डोंट डू दिस। आई नो आपके इचिक हो रही है, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। मामा प्लीज, ओके कम विद मी। वाओ, उरहान प्लेइंग टाइम। हैप्पी संडे मामा, हैप्पी संडे जानू। ये जो आप उरहान के हाथ में देख रहे हैं ना टॉय, ये उरहान की फूफो जानी ने भेजे हैं उरहान को पाकिस्तान से। बहुत सारी चीज़ें भेजी है उरहान को। थैंक यू फूफो जानी, थैंक यू छोटी फूफो जानी, थैंक यू बड़े पापा। या मेरे बेबी के जो है ना गम्स में थोड़ी इचिक हो रही है, तो मेरा बेबी 3 दिन से बहुत डिस्टर्ब है, फीट भी सही नहीं कर रहा है, और मेरा बहुत दिल जल रहा है मेरे बेबी को देख के। आई लव यू मम्मा का जानू, मम्मा आई लव यू, आई लव यू टू। हाँ, ये देखिए, ये भी उरहान की फूफो जानी ने भेजी हैं, ये भी उरहान की फूफो जानी ने भेजे हैं, और ये भी उरहान की फूफो जानी ने भेजे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें भेजी। और आज संडे के साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उरहान को क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं फूफो जानी की तरफ से। यहाँ टाइम हो गया है असर का, 4 बज रहे हैं, असर की अजान हो रही है, और रहान बेबी यहाँ पर अपने टॉय के साथ इंजॉय कर रहे हैं। बस मैं इनको लेके जा रही हूँ शावर के लिए, फिर मिलते हैं हम। जी गाइस, और रहान रेडी हो गए हैं, और रहान बाबा रेडी होकर आ गए हैं, इनका शावर डन हो गया, ये नहा लिए हैं, अब हम खाएंगे लंच, अब हम करेंगे लंच और आपको दिखाएंगे हम लंच में क्या खा रहे हैं। मोस्टली मैं कभी कभी खड़े होकर पी लेती हूँ, तो अम्मी मुझे टोक देती है, नहीं बेटा पेट के पानी पियो। तो चलिए जी, अब हम आपको दिखाते हैं कि मैं क्या खाऊंगी। मैं बनाऊंगी अपने लिए गरम गरम रोटियाँ,
क्योंकि मुझे फिश के साथ रोटी खाना बहुत पसंद है, वो भी गर्म। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग फ़िश के साथ क्या खाते हैं। वैसे तो मोस्टली सब फिश ऐसे ही खाते हैं विदाउट रोटी, बट मुझे रोटी के साथ पसंद है, आई एम लव इट। जी आज के लंच में है फिश, यम्मी। कल थी यहाँ पर सर्दी बहुत, बल्कि कल क्या पूरे वीक सर्दी रही है, तो अम्मी ने सोचा कि मैं फ़िश लेकर आ जाती हूँ, सर्दी में मज़ा आता है फ़िश खाने में। लेकिन हमारे साथ ये कॉन्सिडेंस हुआ है दो बार जब भी फ़िश आई है और गर्मी आ चुकी थी, और आज भी ऐसा ही हुआ, आज गर्मी आ गई है। कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी खाऊंगी, आई लव इट। फिश बन रही है और वहाँ मेरी गरम गरम रोटियाँ बन रही है। लंच रेडी हो गया है, गरम गरम रोटी विद स्प्राइट, लेट्स ईट। लंच कर लिया है और अब मैं वेदर इंजॉय कर रही हूँ गैलरी में आकर। बहुत हसीन वेदर है, हल्की हल्की सी धूप है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पूरा वीक धूप नहीं निकली थी, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, और आज धूप आई है और इतना अच्छा लग रहा है गैलरी में आकर, और अच्छा मौसम हो रहा है। नहा के सो गए थे और अब वो उठ गए हैं। मैंने जैसे ही अपना लंच फिनिश किया और वो उठ चुका है, और अब मैं उसको देखूंगी। चलें अब अंदर चलते हैं। मैं गेट बंद कर रही हूँ। अंदर आ गई हूँ। ये देखिए चिलोज़ है, कल ये अब्बू लेकर आए थे। पूरा हफ्ता सर्दी रही, पूरा वीक सर्दी रही, तो कल भी बहुत सर्दी थी, तो कल अब्बू ये लेकर आए चिलोज़ है, तो आज गर्मी हो गई। कोई नहीं, खाएंगे, इंजॉय करेंगे चिलोज़ है, और बहुत मज़े के हैं, बहुत बहुत मज़े के हैं, सीरियसली बहुत मज़े के निकले हैं और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है खाने में। हाँ जी, ये थे औरहान के गिफ्ट्स जो औरहान की छोटी पप्पो ने, बड़ी पप्पो ने और बड़े पापा ने भेजे थे पाकिस्तान से। तो ये देखिए कितनी क्यूट सी इसकी सैंडल है, शलवार कमीज़ है, और टॉय भी हैं उसके, और इंशाल्लाह मैं ये वेयर करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और मैं ये स्नैकर खा रही हूँ, बहुत मज़े की, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो अब वो मेरे लिए लेकर आते हैं। तो आज का ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं हसीन शाम के साथ, यहाँ शाम हो गई है, और आज का हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट्स, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफिज़।